अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्हीलर, दिस इज मोहम्मद अनस मसूद फ्रॉम डॉक्टर व्हील्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं और इस तरह के और बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि जो नई गाड़ियाँ हैं, स्पेसिफिकली पहले तो हम ये रोना रोते रहे हैं कि जो नई गाड़ियाँ हैं वो आम आदमी की पहुँच से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, लेकिन इस वक्त जो इकॉनमी के और मुल्की हालात हैं उनके मुताबिक नई गाड़ी मिलना ही नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि आपने देखा है, पहले भी हमने आपको गाइड किया था, लेटर ऑफ क्रेडिट जो स्टेट बैंक की तरफ से इशू नहीं किया जा रहा कंपनीज की वजह से, जिसकी वजह से लोकल प्रोडक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से टोयोटा जैसी कंपनी ने भी अपना प्लांट सस्पेंड कर दिया, प्रोडक्शन रोक दी कुछ टाइम के लिए। इसी तरह क्योंकि टोयोटा इसमें अकेला नहीं है, सारी कंपनीज बाहर से पार्ट्स मंगवा के पाकिस्तान में असेंबल करती हैं, जितनी भी कंपनीज हैं अगर इसी तरह खुदा ना खासा हालात है तो सबको अपनी प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी और ये एक बदतरीन किस्म की सूरत हाल है। उस सूरत में आपके लिए नई गाड़ी मिलना तो नामुमकिन है और इम्पोर्टेड बाहर से आप ब्रांड न्यू गाड़ी इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। सो जो यूज़ गाड़ियाँ इस मुल्क में मौजूद हैं वही आपके लिए एक सहारा है। सो अब मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में जितनी भी वैल्यू टू मनी गाड़ियाँ हैं जिनकी प्राइस ना ज़्यादा है ना कम है, एक आम आदमी उनको अफोर्ड कर सकता है या अपनी वैल्यू के ऊपर पूरी उतरती हैं, उनके हम रिव्यूज़ करेंगे। उसी कड़ी की पहली वीडियो है जिसमें हम एक बड़ी यूनिक किस्म की एमपीवी का रिव्यू लेके आए हैं। हमारे साथ शाहिद भाई मौजूद हैं, एसएस ऑटो कार केयर एंड वर्कशॉप से। शाहिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं अनस भाई? ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री के हालात तो बड़े ख़राब चल रहे हैं। हाँ जी, तो शाहिद भाई सबसे पहले मुझे बताएं ये गाड़ी कौन सी है और कौन सा मॉडल है? ये 2002 मॉडल है जी, टोयोटा एस्टीमा। ठीक है, इसमें ये इसको लेने की वजह भी यही थी जो आपने पहले ही बता दिया कि जो मार्केट में इस वक्त हालात जा रहे हैं, इतनी महंगी गाड़ियां हो चुकी हैं, ये लेने की ताकत ही नहीं रही और आ भी नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इस वजह से ये 25 तक की रेंज में ये बेहतरीन टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है। और ये इसकी माइलेज इतनी थी जब आपने ली थी? ये 1,00,000 किलोमीटर चली हुई। और 1,00,000 किलोमीटर? और 2003 मॉडल आपने बताया? 2002 मॉडल। 2002 मॉडल, उस लिहाज से मेरा ख्याल बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं जैसा ब्रांड न्यू कार। ब्रांड न्यू कार है, जापानी जो होती है उनकी गाड़ियों की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो ब्रांड न्यू की तरह। बिल्कुल, इसमें किसी जगह पे ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ जहाँ पे कोई रस्ट आपको नजर आए। ये इसकी जितना भी इंटीरियर एक्सटीरियर हर चीज की अपनी असली हालत में है, बेहतरीन। तो फिर मैं आपको बताता चलूँ की ये एक मल्टीपर्पज व्हीकल है, एमपीवी जिसको कहते हैं। इस लफ्ज से आप पहले भी आशना होंगे, आपने होंडा बीआरवी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी है, वो भी एक एमपीवी है, लेकिन उसकी अगर हम बजट की बात कर लें वो तकरीबन 3 to 4.5 मिलियन तक चली जा रही है। लेकिन कुछ लोग मजेका खेज किस्म के एड्स लगाते हैं, मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था कई लोगों ने 5 मिलियन भी लगाया, लेकिन वो तो खैर एक मजाक है। लेकिन 3 to 4 to 4.5 मिलियन तक वो भी गाड़ी मिलती है, लेकिन 2.5 मिलियन 25 लाख तक आपको एक अच्छी एमपीवी मिल जाए तो उसमें आपको क्या चाहिए? तो शायद भाई सबसे पहले आप इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसके अंदर कौन सा इंजन आता है? इसमें 2AZ इंजन है, 2400 cc, जो टोयोटा कैमरी में, जो टोयोटा कैमरी में वही इंजन है, टोयोटा का बड़ा मशहूर इंजन है ये, और भी डिफरेंट टोयोटा वैनगार्ड में भी वीएसी सिस्टम है इसमें, एयर बैग्स हैं, 7 इसमें एयर बैग्स हैं हर सीट का, लेदर लेदर। और जितने भी इम्पोर्टेड कार्स होती हैं स्पेशली पाकिस्तान के अलावा, हम देखें ना उनका सेफ्टी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अब बीआरवी में 2 एयरबैग्स देके बड़ा एहसान करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रूम इसका आपने देखा ही, इसमें कॉन्फ्रेंस वाली सीट है इसकी, और रिवॉल्विंग इसकी सीट्स हैं। ठीक है, और बाकी इसमें वीएससी सिस्टम आपको बताया, इसका जो गियर है सीवीटी ओडी टाइप गियर है इसका, सीवीटी। ठीक है, और इसमें जो है डीवीआर कैमरा भी मैंने देखा है, डीवीआर कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं, और ये क्या नाम है सिस्टम लगा हुआ है इसमें, टीवी। ठीक है, इंफोटेनमेंट पिछले पैसेंजर्स के लिए भी अलग से इंटरटेनमेंट है, बिल्कुल है। आप क्लिप्स उसके देख सकेंगे स्क्रीन पे कि रेयर पैसेंजर्स के लिए भी इंटरटेनमेंट का सिस्टम दिया गया, और डुअल इसमें मूनरूफ दी गई है। बिल्कुल, और होंडा बीआरवी जो पाकिस्तान में जितनी भी कैटेगरी है टॉप ऑफ द लाइन, इसलिए कि इसमें डुअल सनरूफ आया है और इस फोर व्हील डिस्क ब्रेक है। इस बजट में देख लेंगे आपको, अब आल्टो की प्राइस इतनी जा चुकी है 2.23 मिलियन, आपको आल्टो ही नहीं मान इस बजट। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी अगर डिजाइन की बात कर लें तो बड़ा एरोडायनामिक्स है इस गाड़ी का डिजाइन है, स्टार्ट से अगर आप शुरू हो जाएं वो बिल्कुल डब्बा शेप नहीं है, बड़ी खूबसूरत इसकी गाड़ी है, बिल्कुल मिनी जहाज तरह। और साइड मिरर्स इसके एडजस्टेबल साइड मिरर्स हैं, और एसी की परफॉर्मेंस वगैरह, क्योंकि आपने इस गाड़ी को, एसी तो इसका ऐसा ही हड्डियों को चुभता है। अच्छा, आगे से लेके पीछे तक फैब्रिक सीट्स हैं, लेदर सीट्स इसमें पीछे भी, हाँ फैब्रिक सीट्स हैं, लेदर सीट्स नहीं है, और बड़ी कंफर्टेबल है।
और पीछे इसका क्या नाम है, चार्जिंग सिस्टम, मोबाइल का चार्जिंग सिस्टम पीछे जेनुअन लगा हुआ है। ठीक है, हर सीट का लेदर है इसका, वो है बल्ब लाइट्स लगती लगी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि ना जो थर्ड रो होती है पिछले पैसेंजर, 7 सीटर है, पीछे सारा 2 बंदे बैठ सकते हैं। हमने ना ऑटो शो पे XL7 सुजुकी की 7 सीटर भी आ रही है, होंडा BRV भी है, इवन फॉर्च्यूनर वगैरह में भी बैठ के देखा। जो रेयर रो है ना, बड़ी तंग होती है 7 सीटर कार्स की, वो एवं ही पता नहीं क्यों बनाई होती है, अडल्ट तो उसमें नहीं बैठ सकता। तो इसकी कैसी है? इसमें तो आप मेरा ख्याल है कि पूरी फैमिली, एक मेरे जैसा बंदा बैठ सकेगा, उसके बाद आराम से बिल्कुल आराम से बैठ सकते, सामान भी रख सकते हैं इसमें। और पीछे सीट के अलावा पीछे बूट स्पेस भी है इसकी, बिल्कुल है, जो कि 400 लीटर स्पेस है इसकी। बिल्कुल, पिछली रोलिंग सीट है, पिछली भी जो आखिरी सीट है उसको आप रोल करके, इसका डुअल सस्पेंशन है, विशबोन कहते हैं इसको। अच्छा, डुअल सस्पेंशन है, बेहतरीन इसकी स्टेबिलिटी है। रोड पे आप मोटरवे पे जा रहे हैं, जैसे ही वो कर्व आते हैं, आम गाड़ी पाकिस्तानी यकीन करें उसमें वो आपको कंट्रोल करनी, स्पीड आपको डाउन करनी, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको आप उसी स्पीड में बड़े आराम से इसको आप ग्रैंडी वगैरह तो लेके जाओ। इसी तरह डर लगता है कि कहीं साइड से निकल जाएगी या गाड़ी रोल हो जाएगी, अगर खुदा ना खासा ज्यादा स्पीड पे आप उसको कहीं टर्न करते हैं तो। बिल्कुल, इनमें इस तरह का कोई सीन नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं। और सस्पेंशन कच्चे पके रास्तों के लिए कैसी? कच्चे पकों के यही डुअल सस्पेंशन का यही तो फायदा है। अच्छा, अब इसकी ना मेंटेनेंस की बात हम कर लेते हैं सीधा सीधा फीचर्स की, क्योंकि फीचर तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सीधा सीधा की हमने बेसिक बात कर ली। इसके जो मेंटेनेंस है, जो एवरेज ऑयल चेंज वगैरह है जी जी, वो कितने इंटरवल के बाद? 3000 के बाद? 3000 रुपए आप करते रहे, ये 4-5 हजार रुपया खर्चा होता है टोटल। अच्छा, 3000 रुपए आप इसको ऑयल चेंज करें, 4-5 हजार तो एक छोटी गाड़ी का इतना खर्चा होता है। बिल्कुल, इसमें भी इतना ही खर्चा होता है। अच्छा, मतलब 2400 इंजन का कोई इतना भार नहीं है आपके ऊपर। अच्छा, अब कर लेते हैं इसकी फ्यूल एवरेज की बात, सिटी और लॉन्ग पे कितना देता है ये इंजन? ये सिटी में थोड़ा इसका है, क्योंकि ये टूरंग के लिए है गाड़ी, तो टूरंग पे इसका बड़ा बेहतरीन 14-15 की एवरेज, 13-14-15 तक की एवरेज है इसकी, मैंने खुद चेक की। और सिटी में जो है वो तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर करती है। अच्छा, शायद भी इसमें ना उस टाइम के लिहाज से हम देखें तो बड़े लेटेस्ट किस्म की चीज़ें हैं, जिससे आपने सस्पेंशन का भी बताया, डुअल सस्पेंशन है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एक आम आदमी जिसके पास कोई 20-25 लाख का बजट है, वो इस तरह की गाड़ी एज अ सेकेंड कार लेना चाह रहा है, तो बंदों को ना थोड़ा सा डर लगता है, यार BRV ले लेते हैं, इनके पार्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, या गाड़ी को खुदा ना खासा कोई मसला बन जाए तो पाकिस्तानी मैकेनिक उसको समझ नहीं सकेंगे, तो आपका क्या टेक है इसमें? समझने वाली कोई इतनी वो साइंस नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये बॉडी को ही आपको जरा देख के आता है कि पता नहीं इसमें क्या वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आम गाड़ियों की तरह ही सस्पेंशन है, इसका इंजन है, वो आराम से इसकी मेंटेनेंस, पार्ट्स आसानी से मिल जाते, पार्ट्स इसके मिलते हैं, बहुत आसानी से नहीं लेकिन मिल जाते हैं, बॉडी के जरा थोड़े मुश्किल होते हैं, इंजन सस्पेंशन, लेकिन ये है कि मतलब आपको पता होता है फलां जगह से इसके पार्ट मिलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल है, मतलब आपको पता होना चाहिए जिसने रखी है, ये बहुत कम गाड़ियां आई हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब जाके जब आपको पता है मार्केट के जो हालात हुए हैं, अब तो इनका ट्रेंड लाजमी तौर पर बनेगा, क्योंकि अब बिकनी यूज कार है जिस तरह के। और इसके अलावा पार्ट्स महंगे हैं या क्या सीन है उनका? पार्ट्स का बॉडी के पार्ट्स थोड़े से हैं महंगे, लेकिन वो इतना होता ही नहीं, आम रूटीन में इतना काम नहीं निकलता, इंजन के आपने इसकी माइलेज के हिसाब से जो भी करने होते हैं काम। अच्छा, जब गाड़ी लोग ले रहे होते हैं ना, मेरा उनसे एक इख्तलाफ ये होता है कि कह रहे होते हैं इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, हेडलाइट लग गई तो क्या होगा। अब हम देखें गाड़ी चलाते हैं, कई कई साल गुजर जाते हैं हमारा, नहीं एक्सीडेंट होता, बिल्कुल वो तो बहुत रेयर भी तो देखें ना, इसमें भी तो ये सारी चीजें, इसकी हेडलाइट्स जेन्युइन लगी हुई, बैक लाइट्स जेन्युइन लगी हुई, साइड मिरर जेन्युइन लगे हुए हैं, ये देखें, ये साइड इसका इंडिकेटर है फेंडर में, ये इसके अपने जेन्युइन है सारी चीजें। और इसके अलावा इनके कम्फर्ट की बात कर लें तो अंदर बैठ के एक तो चीज ना, कम्फर्ट में ये भी रोल होता है कि बाहर की जो रोड की आवाज है ना वो ज्यादा ना अंदर आए, तो इसके अंदर क्या? बिल्कुल, ये साउंड प्रूफ है, इसमें से आप बैठेंगे तो आपको बाहर से ऐसे ही, जैसे इसमें आपने कोई सिस्टम ऐसा लगाया हुआ है कि बाहर से कोई चीज आपको नहीं सुनाई दे, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसके साइड की बात कर लें, बड़ी एरोडायनेमिक और बड़ी खूबसूरत किस्म की शेप है, और इसके अंदर ये जेन्युइन अलॉय व्हील्स हैं 16 इंच के अंदर इसके। जी, इसके जेन्युइन 16 इंच के अलॉय व्हील्स। और एंड पे फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, अगर आपको 25-30 लाख का बजट मिले तो आप लोकल गाड़ी करेंगे चूज या ये वाली गाड़ी यूज करेंगे? मैं तो अगर ये अच्छी हालत की मुझे गाड़ी मिलेगी तो मैं हर किसी को इंशाल्लाह यही मशवरा दूंगा, आप इसको देखें, मार्केट में विजिट करें और इंशाल्लाह आप मजा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कई दफा ये होता है कि गाड़ी ये हर लिहाज से ठीक होती है, इंजन वीक होता है, तो फिर इसका इंजन मिल जाता है? बिल्कुल, इंजन आसानी से मिलता है।
बजट कितना रखना चाहिए इंजन का बंदे को? बजट इसका देखें, इंजन को जब आप मेंटेनेंस सही कर रहे हैं, इंजन वाले टाइम पे चेंज कर रहे हैं, इसका जो पानी तेल पानी का आप बिल्कुल ख्याल रखते हैं डेली, पंखे पंखे के उसको चेक करते हैं, इंशाल्लाह कभी भी मेरे ख्याल 2.5-3 लाख इंजन आराम से चलते हैं। ठीक है, तो अभी इसका 1 लाख चला हुआ है, आपको पता है 2005 में आई है पाकिस्तान में, तो ये उस वक्त से चल ही रही है, 1 लाख किलोमीटर चली है इसमें अभी तक माशाल्लाह, बेहतरीन वाटर ड्रॉपिंग इसका इंजन अभी तक माशाल्लाह। तो शाहिद भाई थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम का, थैंक यू। और शाहिद भाई को आप पहले भी एक रिव्यू में देख चुके हैं टोयोटा लैंड क्रूजर के रिव्यू में भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हमारे साथ वीडियोस में शाहिद भाई को आप देखेंगे। और कार एंथूजिएस्ट हैं बहुत ही पुराने, और गाड़ियों का हमारी तरह इनको भी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, और हमें भी ऐसे लोगों में बैठना पसंद होता है, और टाइम का पता ही नहीं चलता जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का शाहिद भाई। तो व्यूअर्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।